चीता कैंप ट्रॉम्बे में 2 साल की बच्ची को टेम्पो चालक ने कुचला, मामला हुआ दर्ज। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ट्रॉम्बे चीता कैंप के मुस्लिम कब्रिस्तान जो कि मेराज मस्जिद के पास है, यानी सी सेक्टर भी इसे इलाके को कहा जाता है, वहीं पर एक टेम्पो चालक जिसका नाम आलम मोहम्मद मेराज कुरैशी है, वो अपने टेम्पो पर बैठकर एक 2 साल के जो बच्ची है वो अपने 2 भाइयों के साथ खेल रही थी, जिसमें जो अली है 4 वर्षीय और जो उसका दूसरा भाई है 3 वर्षीय मोइन, उन दोनों के साथ में वो खेल रही थी। तभी ये टेम्पो चालक ने देखा नहीं और सीधा बच्ची के ऊपर से टेम्पो को चढ़ाकर फरार हो गया, जिसके बाद मामला जो है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने घटने के जानकारी लगते ही पहले तो शताब्दी अस्पताल में ADR के तहत मामला दर्ज कराते हुए उपचार के लिए भेजा, लेकिन मृत्यु होने के बाद पंचनामे के लिए मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर जो पंचनामा उसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, 134A, 134B और साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट 279 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है ये ट्रॉम्बे चीता कैंप का ही रहने वाला है और ये चीता कैंप में डी सेक्टर क्यू लाइन का रहने वाला है और इसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश ही किया है। फिलहाल इस पूरे मामला की जो तपास अधिकारी है सहायक पुलिस निरीक्षक आशा कदम, वो अपनी तरफ से जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामला को लेकर ट्रॉम्बे चीता कैंप के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है रेहाना शेख, उन्होंने इस पूरे मामला को इस प्रकार पूरी जानकारी को साझा करते हुए मीडिया से बताया है। अब ये देखना है कि एक घर का चिराग बुझ गया और किस तरीके से मातम पसारा होगा ट्रॉम्बे चीता कैंप सी सेक्टर में इस घटना के बाद। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।